जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले एक्सरसाइज के पहले वार्म अप होना बहुत जरूरी है। कंटिन्यू। नीचे जाना है सांस लेना, ऊपर जाना है सांस छोड़ना। डिस्टेंस फुल डिस्टेंस होना चाहिए अपने पैरों के बीच में, कम से कम 4 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस रखिए पूरा, डिस्टेंस रखिए पूरा। डीप ब्रीथिंग पूरा झुककर, पूरा झुककर सेकंड स्टेप आउट बंद कर दिया। थर्ड स्टेप पूरा झुकना है, गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। पूरा झुके, पूरा झुके, पूरा। कहने का मतलब मेरा ये है कि पीछे वाला बंदा दिखाई देना चाहिए, बैंड या पूरा नीचे वाला बैंड। इसी के अंतराल फोर्थ स्टेप। यह एक्सरसाइज वार्म अप के पहले की जाती है। चलो, आपने देखो लॉन्ग जंप के पहले सबसे पहले आपको वार्म अप कर लिया। क्या कर लिया? वार्म अप, बॉडी को डिप्रेसिंग कर लिया। इसके बाद में बात आती है लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप की अपना 40 से 45 फीट का अपना क्या होता है? रनअप होता है। क्या होता है? क्या होता है? रनअप। तो जिस प्रकार 40 से 45 फीट का अपना रनअप होता है, उसके अंतराल अपना 20 फीट अपन को क्या करना रहेगा कि 20 फीट तो अपन को नॉर्मल तरीके से जाना है, और जो 20 फीट बाकी बचता है टेको पैन के लिए, वहाँ से अपन को 100 मीटर खींचना है, स्प्रिंट खींचना है। क्या करना है अपन को? स्प्रिंट खींचना। जिसे 40 फीट हो गए, 20 फीट तो हमने वार्म अप अपनी बॉडी को तैयार कर लिया। इसके बाद में जो 20 फीट बाकी बचता है, जैसे सपोज मैंने माना वो रनअप वाला, जैसे लाइनिंग दे दी, वहाँ से अपन को क्या करना है? स्पीड खींचना। क्या करना है अपन को? स्पीड खींचना। उसी के अंतराल वहाँ पर आता है अपना क्या आता है? सपोज माना है टेकअप पैंट। क्या रहा है? टेकअप पैंट, ये वाला। तो टेकअप पैंट पर हमको किस प्रकार पैर रखना है, टेकअप पैंट पर आना है। सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है, जैसे लॉन्ग जंप मार रहे, लॉन्ग जंप आपको नंगे पैर से करना है। कैसे करना है? नंगे पैर से। जिस प्रकार आप नंगे पैर से जो स्पीड आती है, जूते से नहीं आती दोस्तों। जिस प्रकार ये सपोज मैंने माना आपको रेत, जैसे टेकअप पैंट आपने ले लिया। क्या ले लिया आपने? टेकअप पैंट ले लिया। जूता नहीं, जूता पोर्सन है। देखो जूता अपना कितना बड़ा, कम से कम 1 से 1.5 इंच बड़ा रहता है अपना पैर से। तो जिसे हमने जूता मार दिया नहीं वाला, तो जो रेत का पोर्सन रहता है ये वाला, तो पूरे को ले बैठता वो। क्या करता है वो? पूरे को ले बैठता वो। इसलिए विशेष ध्यान रखना दोस्तों कि अपन को जैसे लॉन्ग जंप लगाने तो नंगे पैर से करना चाहिए। ये जूता का पोर्सन बढ़ गया ना इतना वाला, है ना, अपनी एरिया कम रहती है। जूता का पोर्सन जितना पैर रखोगे उतना गड्ढा हो जाएगा, और अपनी एरिया कहती है पूरी पूरी अंदर जाती है, तो ज़्यादा पोर्सन नहीं ले पाती है। इसी के अंतर बात आती है सेकेंड स्टेप की। टेकअप पैंट, टेकअप पैंट हमेशा यहाँ से लेना। कहाँ लेना? जैसे ये वाला अपना क्या है? पटिया है, जो भी 1 फीट का 1.5 फीट का जो भी रहता है। तो ओनली पंजा पंजा अपने पैर पर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पंजा पंजा अपने पैर पर आना चाहिए। इसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना। हल्के से रेडियो। इसी के अंतराल देखो, इतना टेकअप पैंट लेना है। फर्स्ट जैसे मारा अपने ये वाला, दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? ओनली इतना आधा जो पंजा रहता है ना अपना, वही अपना टेकअप पैंट आना चाहिए। विशेष ध्यान रखना, एक बार आप लोग बताइए, पंजा पर टेकअप पैंट ये वाला होना चाहिए। अब ये बात को कंटिन्यू, चार बटन पूरे बच्चे दिखाई देने वाले, दिखाई दे रहे पूरे। सेकेंड स्टेप आती है, अपन दोनों पैर को इंक्लूड करना है। जैसे टेको पॉइंट मैंने यहाँ से ले लिया, अब क्या करना है दोनों पैर को? तुमको क्या करना है? इंक्लूड करना, चेस्ट पर लेके आना है। आप जितना चेस्ट पर लेके आओगे अपने पंजों अपने पैरों को, उतना अपना टेको पॉइंट दुगना जाएगा। तो इसके लिए अपने सेकेंड अवस्था होती है, एक सर देखिए दोस्तों। जैसे हमको मारा मैंने, जैसे 1 2 1 1 2, इसीलिए अपन क्या कर रहा है, जैसे टेको पैंट हमने ले लिया, जैसे रनअप लेके आ रहे हैं ये वाला, और टेको पैंट वो आगे पूरा पैर होना चाहिए। जैसे टेको पैंट हमने लिया ये वाला, देखिए 1 2,
के अंतराल में थर्ड स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप के बाद में आपने सुना होगा, जैसे आपने दोनों पैर को इंक्लूड कर लिया यहाँ पर, फिर आपको क्या करना, साइकिलिंग चलाना है। क्या करना अपन को, साइकिल जितना अच्छी अपन साइकिलिंग चलाएंगे ना, आगे बढ़ते रहेंगे। क्या करेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। साइकिलिंग इस प्रकार चलाना है दोस्तों, देखिए इधर, ये हमने कवर पकड़ा ये वाला, और ये कंटिन्यू तरीके से, वन पूरा उठ के कंटिन्यू, इसी के अंतराल साइड रोटेशन। ओके रेडी हो, घुमा के पूरा पैर को, साइकिलिंग अदर साइड। उसके बाद में बच्चों क्या बोलते हैं कि सर लॉन्ग जंप पर पैर वगैरह भरा जाते हैं, क्या भरा जाते हैं, ये वाला पोर्शन पूरा भरा जाता है ना, तो इसके लिए रिलैक्स वाली एक्सरसाइज, जिसमें क्या सपोज मैंने माना ये वाला बॉडी पूरा दोनों पैर स्ट्रेट, इसके बाद में जितना आपने जो खिंचा हुआ है ना स्टेज आएगा, उससे जो जो वाला पेन होता है तुम्हारा एक्सरसाइज से, जिस जम्प मारा है वाला बड़ा भरा जाता है, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे अपन दोस्तों, तो बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाओगे। इसमें क्या मैंने बोला, आपको अप पूरा खिंच के और ये डाउन, पूरा खिंच के दोनों पैर स्ट्रेट होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, देखो खिंच के पूरा दोनों पैर स्ट्रेट है। इसी के अंतर मैंने बोला आपको डाउन, ये डाउन पूरा, समझ रहे बात को, डाउन पूरा खींच के आइए वाला मार अपने, जो सारे अपने खींच के आइए पूरा पूरा खींचा हुआ था पूरा पैन, या अप इस इसी के अंदर डाउन पूरा झुक के पूरा डाउन हो जाए पूरा झुक के पूरा अप डाउन अप डाउन कुछ रिलैक्स मिल रहा है अपनी बॉडी को, रिलैक्स मिल रहा है आपको, पूरा ये वाला जो पोर्शन है अपना पूरा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। इसी के अंतराल थर्ड स्टेप जाओ पूरा खींच के, ये वाला जितना आगे बढ़ोगे ये वाला पर्सन को अपन को पूरा क्लोज देखा पूरा खींचे पूरा पूरा खींचे। इसके बाद चेन होना जैसे नॉर्मल गए, ये चेन पूरा खींच के जितना हो जाएगा। रेडी हो, यस सर, कम गाइस पांच बार आगे बढ़िए पूरा हल्के से, बढ़िया आगे हल्के सा खिंचा आ रहा है, और खींचे मुड़ के एक्सचेंज खींचे पूरी पांच लीजिए बढ़िया पूरा खींचे पूरा एक्सचेंज या कंटिन्यू पूरा रिलैक्स मिल रहा पूरा। ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, कौन सी, लॉन्ग जंप के बाद में के, है ना, जैसे लॉन्ग जंप लगा दिया आपने, ये पेन हो रहा वो हो रहा, ये अभी क्या हो रहेगी लास्ट स्टेप के बाद में, ज्यादा पेन हो रहा कभी अपन को सिटिंग लेना, क्या लेना अपन को, सिटिंग इस प्रकार लेना दोस्तों, खड़े हो जाओ सभी नॉर्मल। yeah. तो yes, sir. बिल्कुल ये एक्सरसाइज आपको डेली कर रहे हैं, और आपकी जो एक्सरसाइज लॉन्ग जंप नहीं आ रही, दो से तीन दिन के अंदर अपना कवर हो जाएगा। ओके, देरी करिए, जय हिंद दोस्तों।